तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने बेसिक नॉलेज यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं कि हम ट्रांसफॉर्म मास्टर कैसे यूज करें। अगर आपके पास कोई शॉट है जिसमें काफ़ी सारा पानी है और काफ़ी सारे उसमें चीज़ें हैं, जैसे नाव है, कोई जहाज़ है, तो हम उसको कैसे हटाएं, कैसे हम उसको पूरा क्लीन करें। तो इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से बताने वाला हूँ कि आप कैसे हटा सकते हैं किसी जहाज को। और अब क्या होता है, देखो गाइस, दो तरीके होते हैं। एक तो होता है हमारा पेंट करके हम हटा दें, तो लेकिन पेंट में क्या होता है, फ्रेम होल्ड लग जाता है, तो उससे फ्रेम होल्ड हो जाता है और वहाँ पर पानी एक जगह रुक जाएगा। तो हम मैं ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसमें आपको पानी भी चलेगा और आपका काफ़ी आसानी से जहाज भी हट जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, साइज सेट कर लेना है इस फोटेज का, और फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक जहाज को हमें डिसाइड करना है कौन सा हटाएंगे। सबसे पहले तो आपको सर्च करना है ट्रांसफॉर्म मास, ठीक है। ट्रांसफॉर्म अलग होता है और ट्रांसफॉर्म मास अलग होता है। अगर आप ट्रांसफॉर्म को लेकर आएंगे तो आप टी से भी ला सकते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्म मास आपको सर्च करके लाना होगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं ट्रांसफॉर्म मास ले आ चुका हूँ और यहाँ पर क्या है कि हमने ये फोटेज के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक रोटो का नोड लेंगे, इसका शॉर्टकट ओ रहता है। अब देखिए, ट्रांसफॉर्म मास में एक मास निकल कर आता है, आप साइड से निकाल सकते हैं, राइट साइड से, और इससे आप कनेक्ट कर दीजिए रोटो के साथ। और कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना दो चीज़ लगानी है, एक तो ट्रांसफॉर्म मास और एक आपको रोटो, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम बनाएंगे पॉली। जो भी चीज़ हमें हटानी है, ज़रूरी नहीं है आपके पास ऐसा ही शॉर्ट हो सकता है किसी और तरीके का शॉर्ट हो, तो आप उसमें भी यूज कर सकते हैं। जैसे किसी, मान लीजिए करेक्टर के बाल होते हैं, तो अब आप चाहते हैं कि उसके बाल थोड़े नीचे हो जाएं, या फिर कोई गाल किसी का, मतलब ऐसा कोई ओल्ड आदमी है, आप चाहते हैं उसे जवान टाइप का बनाना, तो आप इससे बना सकते हैं काफ़ी आसानी से, क्योंकि हम इससे चीज़ें मूव कर सकते हैं। तो ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक पॉली बना ली है। अब मैं इसको थोड़ा सा फैदर देता हूँ, एक काम करता हूँ, फैदर अभी मैं नहीं देता हूँ आपको, पहले ऐसे ही बताता हूँ क्या डिफरेंट आएगा फैदर से। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ट्रांसफॉर्म मास का एक पॉली बना लिया है। अब देखिए, मैंने जैसे ट्रांसफॉर्म मास पर डबल क्लिक करा, तो देखिए बीच में सेंटर पॉइंट आया है, इसे आप वहाँ पर रख दीजिए जहाँ पर आपने पॉली बनाई है। तो ठीक है, पॉली मैंने यहाँ पर बनाई है। अब क्या करेंगे, हम अपने कीबोर्ड में देखो 4862 ये हम दबाएंगे, तो इससे हमारा जो होगा जहाज वो उधर उधर खिसकेगा। मतलब ये एक प्रकार से इसने दो फोटेज बना लिया ट्रांसफॉर्म मास ने, पीछे एक और फोटेज लगा दी और आगे एक और। तो जहाँ हमने पॉली बनाई है, तो वहाँ से पीछे वाले फोटेज हटा रहा है और उसकी जगह आसपास की चीज़ें लेकर आ रहा है, ठीक है। अब मैं इस टाइप से ला रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे जहाज आ चुका है, तो मुझे थोड़ा सा ऊपर कर लेना होगा फोटेज, क्योंकि मुझे सिर्फ पानी चाहिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे पानी आ चुका है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा, ये देखो एकदम एयर साफ आ रही है, मतलब यहाँ पे फैदर की ज़रूरत है। तो फैदर से पहले हम एज ब्लर ला के देखेंगे कि एज ब्लर का काम बनता है नहीं बनता है, तो आप सर से ला सकते हैं टैप दबा के। तो यहाँ पे मैंने देखिए एज ब्लर लगाया, तो थोड़ा सा डिफरेंट आया, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आया हमें चाहिए ज़्यादा। अगर मैं एज ब्लर की वैल्यू ही बढ़ाऊँगा, तो एज ब्लर तो देखो दोनों तरफ से होता है, इसका अंदर से भी अपना वैल्यू घटता है और बाहर से भी घटता है, तो इसलिए एज ब्लर हटाए थे। अपने लेते हैं फैदर, फैदर क्या होता है, पूरा बाहर से ही जाएगा, तो इसलिए फैदर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आप यहाँ पर फैदर ले सकते हैं। अब देखिए मेरी पॉली भी किधर जा चुकी है, क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्म मास से पॉली भी खिसका दी थी, मतलब एक प्रकार से इतना हिस्सा हमने खिसका दिया था। अब जैसे ही देखिए मैंने फैदर दिया, वैसे कितना अच्छे तरीके से पानी मैच हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, आगे जाकर आपका जहाज फिर से आ जाएगा, क्योंकि हमने पॉली एनिमेट नहीं करी है। तो आप यहाँ पे एनिमेट कर लीजिए पॉली को, जैसे जैसे आपका जहाज मूव हो रहा है, आप वैसे वैसे पॉली भी एनिमेट कर लीजिए, और आपको ओरिजिनल पर रख के एनिमेट करनी है, ठीक है। आप ट्रांसफॉर्म रख के, ट्रांसफॉर्म मास पर रख के मत करना, आप ओरिजिनल पर फोटेज पर व्यू करके फिर आप पॉली एनिमेट करना, ठीक है। अब मैंने यहाँ से एनिमेट भी कर लिया है, तो देखिए मेरा जहाज यहाँ से इतना हट चुका है, लेकिन ये आगे का नहीं हटा है। ये मैंने जानबूझ के आपको आधा जहाज हटा के दिखाया, अगर मैं चाहता तो पूरा ही हटाया था एक बार, वो देखिए पानी मूव भी हो रहा है, तो उसमें ये फ़ायदा है। अब आपको देखें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको डिसाइड करना है कि आप किधर से पैच उठा रहे हैं अपना, मतलब आप पीछे वाले फोटेज का रिफरेंस कहाँ से उठा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल कोने से उठा लें, तो ऐसा क्या होगा, आपका कलर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा, और हो सकता है पानी उधर किसी और एंगल पर चल रहा हो, या फिर कुछ और वहाँ पर वो इफेक्ट पड़ रहा हो। तो इसलिए आप जितना हो सके उतना नज़दीक से उठाने की कोशिश करिए, और जितना आप नज़दीक से उठाएंगे उतना आपका अच्छा होगा। अब देखिए पानी का थोड़ा यहाँ पर कलर चेंज हो गया, तो मैंने एक ग्रेड ले लिया है, इसका शॉर्टकट जी रहता है, आप जी से ला सकते हैं, और थोड़ा सा गेन बढ़ा देते हैं। जैसे ही मैंने गेन बढ़ाया, तो देखिए मेरा पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आप अपने हिसाब से और अच्छा कर सकते हैं, और अच्छा आप इसमें इफेक्ट ला सकते हैं गेन को छेड़ के। तो अभी देखिए मेरा इतना सॉल्व हो चुका है। एक बार मैं ग्रेड की वैल्यू छेड़ के दिखाता हूँ, ज़्यादा कम करके दिखाता हूँ, तो देखिए आप कितना ज़्यादा डिफरेंट पड़ रहा है। तो आपको मालूम पड़ चुका होगा ग्रेड से कलर चेंज हो रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से कलर बना सकते हैं, और आप गेन के आरजीबी कलर में जाएंगे, तो वहाँ से आप अलग अलग मैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं एक और ट्रांसफॉर्म मास ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ आधा जहाज हटाया था। अब मैं आपको पूरा, मतलब ये आधा जो बचा हुआ है वो हटा के दिखाता हूँ। तो आधा आधा पार्ट मैंने इसलिए हटाया था ताकि आपको समझ में आए कि हम लेयर वाइज कैसे काम कर रहे हैं। अगर मैं पहले ही पूरा हटा देता तो क्या होता कि हम लेयर वाइज नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने अभी आधा इतना हटाया, अब मैं आधा आपको और हटा के दिखूंगा। तो इससे क्या डिफरेंट आने वाला है, अभी हम आपको आगे वीडियो में बताता हूँ कि क्या डिफरेंट आएगा। अगर आप पहले वाले ट्रांसफॉर्म मास में कोई भी चीज़ छेड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है वो इस वाले में भी छेड़ेगी। वो क्यों छेड़ेगी, क्योंकि मैं अब देखो ट्रांसफॉर्म मास में खिसकाऊंगा,
तो मैं राइट की तरफ खिसका रहा हूँ। तो राइट की तरफ तो हमने पहले ही जहाज हटा रखा है, तो देखिए नीचे दोनों ये पैच आ चुके हैं अलग अलग वाइट ब्लैक टाइप के। अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो फैदर देते हैं एक बार, पहले फैदर है पहले से हमारी पॉली में, थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ तो देखिए सॉल्व नहीं हो रहा है, ये ठीक नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमने ऊपर जो ट्रांसफॉर्मर लगा रखा है उसमें पहले से ही ऐसा ब्लैक है। अगर मैं ऊपर वाले को ठीक करूँगा तो नीचे वाला ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले में हमने गलती कर रखी, वहाँ पर हमने परछाई छोड़ रखी, इसलिए ठीक नहीं हो रहा। देखिए मैं यहाँ पर कितना ज़्यादा फैदर दे रहा हूँ तब भी ठीक ही नहीं हो रहा, तो क्या कर सकते हैं हम ऊपर वाले ट्रांसफॉर्मर को छेड़ेंगे। तो ऊपर वाली पॉली में जाता हूँ और जैसे मैं इसका फैदर बढ़ाता हूँ तो देखिए दोनों का ऑटोमेटिक ठीक हो गया, क्योंकि हमने रिफरेंस बाजू से लिया था, मतलब उसके पास से लिया था पहले वाला ट्रांसफॉर्मर से। तो आप दोनों पर खेलिए और आप लेयर वाइज जरूर ध्यान रखिए कि आप लेयर वाइज में कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मान लीजिए हमने ये, तो हम अगर आपको शॉर्ट पर पूरे जहाज हटाने तो आप पूरे भी हटा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपने किसी ने बोला कि भाई सिर्फ एक ही जहाज हटा, तो हो सकता है हमारा ऊपर वाला जहाज भी थोड़ा सा कट जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो आप उसे रिवील कैसे करें, दोबारा से कैसे लेकर आएँ। तो उसका बहुत सिंपल आंसर है, आप रोटो करके ला सकते हैं। तो आपको रोटो कैसे लाना होगा, आपको लेने होंगे दो मर्ज के नोट, ठीक है, एक मर्ज बाजू में ले लीजिए, एक मर्ज और ले लीजिए, और बीच आपका जो सेकंड वाला मर्ज है उसे आप कनेक्ट कर दीजिए फोटेज के साथ और उसे इन कर दीजिए, ठीक है। उसका ए जाएगा फोटेज में, आप ध्यान रखिए मेरे नोट ग्राफ पैनल में कैसे काम करो, उसे बड़ा कर देते हैं, और बी जाएगा इसमें ट्रांसफॉर्मर में, इस तरीके से आपको बना लेना है। तो उसे थोड़ा सही कर लेना, थोड़ा सा आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो इसलिए मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने तीन नोटों के रोटो के नोट लग चुके हैं और मैंने दो मर्ज लिए हैं। अब ये नीचे दो मर्ज जो लिए हैं इसमें से मैंने एक मर्ज को इन कर रखा है सेकंड वाले को, ठीक है, आप उसके ऑपरेशन में जाके कर सकते हैं। और यहाँ से अब क्या करने वाले हैं, हम लेने वाले हैं रोटो का नोट, रोटो का नोट तो हमारे पास पहले, हम लेने वाले पॉली। तो पॉली किस पर बनाएंगे हम, जो हमारा जहाज कट रहा है, ठीक है, जो हमारा जहाज कट रहा है उसको हम पॉली बना देंगे। तो उससे क्या होगा आपको, और हाँ एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपको ओरिजिनल पे जाकर पॉली बनानी है, आप ओरिजिनल व्यू कर लीजिए और तभी आप अपनी पॉली बनाइए। तो आप पॉली किसी पर भी बना सकते हैं, आप बीजर चाहे बीजर में बना सकते हैं, नहीं तो आप पीस लाइन चाहें पीस लाइन में भी बना सकते हैं। तो देखिए मेरा जो जो पार्ट मेरा कटर था वहाँ पे मैं रोटो कर रहा हूँ। अब इसमें एक चीज़ का बेनिफिट और है इस शॉट में कि हम कैसे भी रोटो कर सकते हैं टेढ़ा मेढ़ा, क्योंकि यहाँ पे क्या पानी है, अगर मैं थोड़ा सा रोटो बाहर भी कर दूंगा तब भी एजेस तो मुझे ओरिजिनल वाली ही मिलेंगी। तो आप ज़रूरी नहीं है प्रीसाइज रोटो करिए, आप थोड़ा सा ऐसा भी कर सकते हैं काम चलाओ। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने ये रोटो करा तो मेरा यहाँ पे जो कटा हुआ पार्ट था वो आ चुका है। मैं बंद चालू करके दिखाता हूँ, डिसेबल अनेबल करके दिखाता हूँ, मेरा जहाज जो था वो कटा था वो आ चुका है। और दूसरी चीज़ क्या, हमें इसको एनिमेट कर लेना। अब देखिए मैंने पॉली कितनी बाहर रखी तब भी मेरा रोटो काम कर रहा है, क्योंकि नीचे जहाज बहुत ज़्यादा दूर है वो, तो हम तो जितना चाहें हम तो हमारे लिए तो उतना ज़्यादा अच्छा है कि हम जितना ओरिजिनल लाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इस शॉट में ट्रांसफॉर्म मास एक प्रकार से रोटो, जैसे अपने रोटो पेंट करते हैं उसमें क्लोन का काम करता है, ऐसे ही सेम ट्रांसफॉर्म मास एक पॉली के रिफरेंस पर क्लोन जैसा ही काम कर रहा है, बस इतना ही डिफरेंट है और कुछ डिफरेंट नहीं है। और इतना ज़्यादा इजी है, बस एक ट्रांसफॉर्मर लेना और उसका मास कनेक्ट करना रोटो में, बस आप इसके अलावा कुछ मत करिए, आपका पार्ट खिसक जाएगा। ज़रूरी नहीं जहाज हो, कुछ और भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु हो, कोई मक्खी उड़ी, तो आप उसको ऊपर पॉली बना के हटा सकते हैं उसको। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये सारे जहाज हटा दिए, मैं थोड़ा रफली हटाए ताकि आपको समझा सकूँ कैसे हमने जहाज हटा सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए सारे हटा दिए, तो गाइस अब आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि आप कैसे ट्रांसफॉर्म मास का यूज़ कर सकते हैं और कैसे आप किसी कटे हुए पार्ट को रिवील कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको टॉपिक क्लियर कर दूंगा। और हाँ गाइस, आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियो लाता रहता हूँ और आप काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे BFS में। आप मेरे चैनल में जाकर देखेंगे आपको कई सारी वीडियो मिलेंगी, आप इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर चालू कर लीजिए। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर, और गाइस जय हिंद।